गर्मी इतनी पड़ती है कि नॉर्मली कोई भी पर्सन टॉलरेट कर सकता है, ज़्यादा गर्मी नहीं, एक्सट्रीम वार्म नहीं होती। सच क्लाइमेट इज गुड फॉर द ग्रोथ ऑफ ग्रासेस। बारिश कम है, स्नोफॉल भी हो रहा है, गर्मी भी इतनी ज़्यादा नहीं है। ये एक क्लाइमेट किस तरीके किसके लिए सुटेबल है? ग्रासेस के लिए। ये सारे कॉम्बिनेशन ऑफ वेदर ग्रासेस के लिए बहुत ज़्यादा सुटेबल होता है। अब प्रेरीज में वाटर्स की भी कमी नहीं होती, वाटर की भी नहीं, नॉर्थ अमेरिका के जो प्रेरीज है उनमें वाटर की भी कमी नहीं है, वाटर भी इजीली अवेलेबल है। और वो किन से क्या सोर्सेज है वहाँ वाटर के अवेलेबल है? मिसिसिपी एंड मिसौरी, वहाँ पे दो रिवर है, मिसिसिपी नॉर्थ अमेरिका में, जो कि ग्रासलैंड यानी कि प्रेरीज को वाटर प्रोवाइड करती है। द मेन क्रॉप प्रोड्यूस इन द प्रेरीज आर मेजर व्हीट, बार्ले, राई, ओट्स, पोटैटो, सोयाबीन, कॉटन, न्यूट्रिशियस ग्रासेस। अब यहाँ पे कौन कौन सी क्रॉप्स होती हैं? सारी क्रॉप, मोस्टली ज़्यादातर क्रॉप्स व्हीट, बार्ले, राई, ओट्स, पोटैटो, सोयाबीन और न्यूट्रिशियस ग्रास। हम ग्रास को न्यूट्रिशियस इसलिए कह रहे हैं क्यों? क्योंकि जब ये ग्रास को कैटल को फीड कराया जाएगा, जब कैटल इस ग्रास को फीड करेंगे तो वो मतलब अच्छे से फीड कर पाएंगे, उनके लिए वो न्यूट्रिशियस ही होती है। तो ग्रासेस भी एज अ फूड कैटल में यूज की जाती है, इसलिए हम इसे न्यूट्रिशियस कहते हैं। व्हीट इज द मेन क्रॉप। जितने भी ग्रास मतलब जो नॉर्थ अमेरिका के ग्रास है, प्रेरीज है, उसमें सबसे ज़्यादा मेन क्रॉप कौन सी है? प्रेरीज, सॉरी मेन क्रॉप कौन सी है? व्हीट। इट इज प्रोड्यूस इन द लार्ज क्वांटिटी। नॉर्थ अमेरिका के ग्रास लैंड में जो व्हीट है वो बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में ग्रो किया जाता है। दैट इज वाई द प्रेरीज इज नोन एज द व्हीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। अब व्हीट मेन क्रॉप से यहाँ की और भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में उग भी रहा है, ग्रो भी हो रहा है, इसलिए व्हीट को क्या कहा जा रहा है? यहाँ पे जो प्रेरीज है उनको क्या नाम दे दिया गया? व्हीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। व्हीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड का मतलब है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गेहूँ अच्छी क्वांटिटी में उगाया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में उगाया जाता है, वो साथ में वर्ल्ड में एक्सपोर्ट भी किया जाता है। यानी कि जो वर्ल्ड की व्हीट की नीड है वो उसके द्वारा पूरी जा रही है, नॉर्थ अमेरिका के ग्रास लैंड। ठीक है, इसलिए हम इसे व्हीट बाउल ऑफ द वर्ल्ड कह रहे हैं या व्हीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड कह रहे हैं। अ लार्ज अमाउंट ऑफ सरप्लस व्हीट इज एक्सपोर्टेड टू अदर कंट्री। जैसे मैंने अभी बताया यहाँ पे लार्ज से लार्ज क्वांटिटी में व्हीट को ग्रो किया जाता है, कल्टिवेट किया जाता है, तो जितना भी कंजप्शन के लिए बचता है उस व्हीट को अपने पास रख लेते हैं, जितना ने अपने कंजप्शन मतलब अपने यूज के लिए चाहिए उतना रख लेते हैं, और जो सरप्लस होता है, सरप्लस का मतलब होता है जब हमारे पास कोई चीज़ एक्स्ट्रा होती है और जिसका यूज़ हमें नहीं करना है तो हम उसको क्या करते हैं? ये लोग मतलब ग्रास लैंड के लोग, नॉर्थ अमेरिका के ग्रास लैंड में रहने वाले लोग, व्हीट वाले लोग क्या करते हैं? उसे एक्सपोर्ट कर देते हैं। एक्सपोर्ट का मतलब होता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री को कोई चीज़ सेल करती है, यानी कि अगर इंडिया में कोई क्रॉप सूख रही है और वो बाहर सेल की जाती है किसी दूसरी कंट्री को, तो उसको क्या कहेंगे बेटा? एक्सपोर्ट कहेंगे। ऐसे सेम जो नॉर्थ अमेरिका के ग्रास लैंड है वो क्या करते हैं? व्हीट को जितना अपने कंजप्शन के लिए रखना है वो रख लेते हैं और जितना सरप्लस है उसको बढ़ के दूसरे हिस्सों में एक्सपोर्ट करते हैं। लार्ज कैटल फार्म्स कॉल्ड रेंचेस आर लुक्ड आफ्टर बाय द स्टडी मैन कॉल्ड काउज। यहाँ पे अब जैसे कि बहुत ज़्यादा कैटल फार्म्स भी हैं, तो कैटल फार्म्स इसलिए हैं क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया ग्रास लैंड है, इसमें ग्रासेस ज़्यादा होती है और कैसी ग्रासेस होती है? न्यूट्रिशियस। तो यहाँ पे कैटल फार्म्स भी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं क्योंकि उनके उनको फीड कराने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? हमें ग्रास की ज़रूरत होती है और वो इजीली यहाँ पे अवेलेबल है और साथ में न्यूट्रिशियस भी, इसलिए यहाँ पे बहुत सारे कैटल फार्म्स हैं, उनको हम कहते हैं रेंचेस। जो ये कैटल फार्म्स हैं उनको नॉर्थ अमेरिका के ग्रास लैंड में रेंचेस के नाम से जाना जाता है। उन रेंचेस यानी कि उन कैटल फार्म्स की देखभाल करने वाले लोगों को क्या कहते हैं? काउबॉयज या फिर स्टडी मैन। ठीक है, काउबॉयज कहते हैं या स्टडी मैन कहते हैं, जो कैटल कैटल्स की देखभाल करते हैं। बीसन और द अमेरिकन बफेलो इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल ऑफ दिस रीजन। यहाँ पे बीसन और अमेरिकन बफेलो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल्स हैं। रैबिट्स, क्वेट्स, गोफर्स एंड प्रेरीज डॉग्स आर ऑल्सो फाउंड इन दिस रीजन। और भी इनके अलावा और भी जानवर जो एनिमल्स हैं जो फाइंड आउट होते हैं यहाँ पे।
तो ये हमने पढ़ा इसका वेजिटेशन। वेजिटेशन मतलब वनस्पतियाँ, किस तरीके की वनस्पतियाँ उगती हैं और कौन सा क्लाइमेट उनको अफेक्ट कर रहा है, और वो जो वेजिटेशन क्रॉप्स कल्टीवेशन हो रहा है वो किस किस काम आ रहा है। एक तो वो खुद कंजप्शन को देखते हैं, साथ में सरप्लस के तौर पर उसे बाहर भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए हम इसे वीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए विच प्लेस इज नोन एज या फिर विच वॉट इज वीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड ये पूछा जाए, तो आप इसे इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं या आंसर दे सकते हैं। लिविंग ऑफ द पीपल, लिविंग ऑफ द पीपल का मतलब होता है बेटा कि पीपल कैसे लिव करते हैं, उनकी मतलब जो लाइफ जीने का तरीका है, अपनी लाइफ को सर्वाइव करने का या उनके रहने का तरीका, उसको कहते हैं लिविंग ऑफ द पीपल। पीपल फ्रॉम मैनी कंट्रीज ऑफ यूरोप माइग्रेटेड टू दिस रीजन। पीपल फ्रॉम मैनी कंट्रीज ऑफ यूरोप, यानी कि बहुत सारे लोग मॉडर्न मेथड्स ऑफ फार्मिंग यूज करेंगे, मतलब ट्रैक्टर है,
सारी चीज़ें अवेलेबल है, टेक्नोलॉजी, मेडिकल में कहो आप, मेडिकल भी बहुत अच्छा होगा, मतलब टेक्नोलॉजी हर चीज़ में, वो हर फील्ड में बहुत अच्छे हैं। वो कौन सी कंट्री है? USA और कैनेडा, वो भी इसी रीजन में लोकेटेड है। साइंटिफिक मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन, यूज ऑफ ट्रैक्टर हार्वेस्टिंग एंड कंबाइंस हैज मेड नॉर्थ अमेरिका सरप्लस फूड प्रोडक्शन। अब हमने देखा कि जो नॉर्थ अमेरिका है उसमें साइंटिफिक मेथड्स भी यूज किए जा रहे हैं क्रॉप्स को उगाने के। साइंटिफिक मेथड्स का मतलब होता है ट्रैक्टर, केमिकल्स, पेस्टिसाइड, जैसे मैंने आपको भी एग्जांपल में बताया था, ये साइंटिफिक मेथड्स होते हैं फार्मिंग को फार्मिंग करने के लिए या कल्टिवेशन करने के लिए। ठीक है, हार्वेस्टेज एंड कंबाइंस, यहाँ पे सारी चीज़ें, यानी कि नॉर्थ अमेरिका के पास साइंटिफिक मेथड्स भी हैं कल्टिवेशन करने के लिए, सारी जितने भी रिसोर्सेस हैं वो अवेलेबल है। इसीलिए जो नॉर्थ अमेरिका है वो बहुत अच्छे से सरप्लस फूड प्रोड्यूस कर पाता है। अब सरप्लस फूड प्रोड्यूस एक बार और क्लियर से समझ लीजिए, इसमें मैंने सारे मॉडर्न मेथड्स यूज करे थे, ठीक है, केमिकल वगैरह सब चीज़ें जो थी मुझे कल्टिवेशन करने के लिए चाहिए, ठीक है, इसलिए मैंने नहीं की। तो क्रॉप के लिए यहाँ से ए वाली फील्ड से ज़्यादा अच्छे से उगेगी और मेरे को आउटपुट भी इसका ज़्यादा अच्छे से मिलेगा, ठीक है, आउटपुट कैटेगरी में बेल्ट का मतलब समझ लीजिए, बेल्ट वो चीज़ है जो
ये जो डेरी बेल्ट है वो एक्सटेंड है ग्रेट लेक्स से लेकर के अटलांटिक कोस्ट इन द ईस्ट, मतलब ईस्ट तक ये स्ट्रेचेस है। डेरी फार्मिंग एंड एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर बोथ प्रमोट सेटिंग अप फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। मैंने आपको बताया यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका के ग्रास लैंड में कल्टीवेशन बहुत अच्छे से हो रहा है, डेरी फार्मिंग का भी बहुत अच्छे से काम हो रहा है। डेरी फार्मिंग इतना अच्छे से काम हो रहा है कि हमने उस एरिया को उसका बैल भी कह दिया, मतलब सबसे ज़्यादा क्वान्टिटी यहाँ प्रोड्यूस हो रही है उसे हमने बैल कहते हैं। तो इन दोनों चीज़ों को मिला करके क्या हो रहा है कि जो नॉर्थ अमेरिका है वो अच्छे से फूड को प्रोड्यूस कर पा रहा है, और जब फूड प्रोड्यूस ज़्यादा से ज़्यादा क्वान्टिटी में होगा तो हम उसे एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे, इसलिए नॉर्थ अमेरिका से एक्सपोर्ट भी करता है। लार्ज मिनरल डिपॉजिट पर्टिकुलरली कोल एंड आयरन एंड अ गुड नेटवर्क ऑफ रोड्स, आपको नॉर्थ अमेरिका में मिनरल्स भी देखने को मिलेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा मिनरल्स भी पाए जाते हैं जैसे कि कोल है, आयरन है, और यहाँ पे गुड नेटवर्क ऑफ रोड्स भी है। गुड नेटवर्क ऑफ रोड्स का मतलब ये है अगर हमारी कंट्री में अच्छे से रोड्स नहीं होंगे, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा नहीं होगा, तो मैं अपनी कंट्री का कोई भी गुड्स कोई भी चीज़ बाहर इतनी आसानी से नहीं सेल कर सकती, क्योंकि ट्रांसपोर्ट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू रन एनी बिजनेस। सेम ऐसे नॉर्थ अमेरिका के जो रोड्स हैं, जो ट्रांसपोर्ट है, वो बहुत अच्छे से डेवलप है, इसलिए यहाँ पे जो सामान है उसको बाहर खरीदना भी एक्सपोर्ट करना भी इजी होता है, चाहे वो रोड्स के थ्रू हो, रेलवेज के थ्रू हो। कैनल्स हैव मेड दिस रीजन द मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन इन द वर्ल्ड, जो कैनल्स है वो भी यहाँ इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इस कंट्री को इंडस्ट्रियलाइज। आज हमने ये चैप्टर पढ़ा जो कि आज आपका फिनिश हो गया है, द टेम्परेट ग्रासलैंड द पेरिस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं भी आया तो आप अपनी कोई भी प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू सेंड कर सकते हैं। ये आज के लिए इतना ही क्लास है, कल हम पढ़ेंगे इसके बारे में, इसके हार्डवर्ड्स और अदर एक्सरसाइज।